नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं इस वक्त वीआईपी न्यूज़ टुडे में के सिद्धार्थ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बोचा विधानसभा में, जहां अभी उपचुनाव खत्म हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ में, क्या नाम है सर आपका? एतवारी सैनी। क्या नाम है? एतवारी सैनी। एतवारी सैनी जी, ये बताइए आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएँ हैं? हमारे क्षेत्र में आए हैं हमारे समस्या के लिए, और मेरे समाज में और सब लोग भी, जे कि विकलांग में कोई भी क्रम की कोई काज नहीं नेता सोच रहे हैं, वह इस बीच में जे कि मतलब माने जैसे गरीबों वो आ रहा है। नीतीश कुमार की सरकार कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही गरीबों के लिए? नीतीश सरकार हमको लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं गरीबों के लिए, और इस गरीबों के बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन है कि लोग नहीं कुछ हम लोगों का सोच समझ को नहीं दे रहे हैं और सोच समझ को नहीं कर रहे हैं। यह गलत हम लोगों का नहीं है, सरकार का नीति जो है उनका रहा। तो आपने किसको वोट दिया है? अभी उपचुनाव हुआ ना यहाँ पे। हम लोग वोट दिए आपका मुकेश जी का, वीआईपी पार्टी। तो जीत रहे हैं वो? वह जीत रहे हैं। वह समाज से हम लोगों का वोट मिला है वीआईपी पार्टी का, वह जीत रहे हैं। आपका क्या नाम है? रंजीत चौधरी। आप क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं। किस चीज़ ड्राइविंग? कार की ट्रक? कार की। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही मेरा घर है जपहांडी का। अच्छा, यहाँ भी उपचुनाव खत्म हुआ है आपको जानकारी? जी। वोट डाले हैं? वोट डाले। किसको दिए? हम लालटेन को दिए। अच्छा, लालटेन को वोट दिया जी। लालटेन क्या स्थिति है उसकी? स्थिति देखिए, वीआईपी और लालटेन में ही टक्कर है। बेबी कुमारी से बीजेपी से हम लोग का इसलिए दिक्कत है कि हम लोग गरीब को प्रलोभन दे करके गैस का रेट बढ़ा दिया, तेल का बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग। महंगाई कैसे? लालटेन को वोट देने से रुक गई? रुक नहीं गई है, लेकिन उसने आवाज़ उठाया। लालू का देन है जो हम लोग थाना पर जाकर। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा ने जो मुकेश सैनी मंत्री के साथ किया है वो गलत किया कि सही किया? पूरी गलत किया है भाजपा। गलत किया है? पूरा पीठ पर छुरा मारा है। वो तीन विधायक उन्हें चल गए, इनका भी सीट लेकर के छोड़ दिया गया। अच्छा, तो उनके साथ गलत हुआ तो जो है आपको उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए था जी, ठीक है। अच्छा, इन भविष्य में अगर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो ऐसा होना चाहिए? ऐसा माने चिराग पासवान आ जाएंगे मुकेश? आप कह रहे हैं ना कि लालटेन को वोट दिया, लालटेन और नाव साहब अगर इकट्ठा आ जाए, मतलब संगठन वो हो जाए गठबंधन, तो कैसा रहेगा? खुशी की बात है, अच्छा बात रहेगा। गठबंधन ना हो जाएगा, 24 का जो लोकसभा होने वाला है उसमें गठबंधन हो जाए तो ठीक रहेगा? तो ठीक रहेगा। तो फिर यहाँ जो है भाजपा या और जो अन्य पार्टियाँ खत्म? खत्म होगा। आपका क्या नाम है? विनेश सोनी। आपने किसको वोट दिया? हम दिए अथी को, ना छाप का। जीते कि ना हो? जीतेगा ना जीते हमको अभी पता कैसे? हम तो ठेला चलाते हैं भैया, ठेला चला। लोग कह रहे हैं कि भाजपा गड़बड़ी कर देती है, इन्हें बात बोल सकता मैं? विजय चौधरी। आप किसको दिए? हमने तो ना छाप के दिए। ना छाप को वोट दिए जी। आपका क्या नाम? जीते लाल बाबू यादव। आप किसको वोट दिए? हम लालटेन छाप। लालटेन को? हाँ, तो लालटेन वाले हैं। अच्छा, ये बताइए अभी आपके क्षेत्र में रोजगार को लेकर के सरकार कितनी सतर्क है? सरकार कितनी सतर्क है? हाँ, मिला जुला चल रहा है अभी। रोजगार मिल रहा कि नहीं? रोजगार अभी नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा तो बात की बात है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, आपका क्या नाम है? होडिल सानी। आप क्या करते हैं? बस गांव में ही रहते हैं। गांव में मतलब रह करके क्या करते? समाज सेवा करते हैं। कह रहे हैं कि गांव में ही रहते हैं, समाज सेवा करते हैं जी। सड़कों की क्या स्थिति आपके क्षेत्र में? बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेकार है? बिल्कुल। चलने लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ इधर दिखाइए, ये इधर जो हाईवे है यहाँ पर काफ़ी मतलब ढलान है, आप लोग देखिए कि कितना वहाँ से यहाँ तक ये ढलान है, तो पानी तो बरसात में बाढ़ में काफ़ी बढ़ती है, पूरा दरवाजे होते हुए घर में घुसती है। इधर घर दिखाइए पूरा, ये घुमा करके पूरा घर दिखाइए। अच्छा, दिखाइए ना यहाँ से वहाँ तक पूरा से, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर घर की स्थिति है, और बता रहे हैं कि इतना पानी यहाँ कितना पानी भर जाता है, पूरे घर में ही घुस जाती है, रोड पे लोग आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। तो फिर रहना मतलब कहाँ कैसे होता होगा? रोड पर, जैसे खाना पीना सोना सब रोड पर।
सब सड़क पर, सब सड़क, सरकार कोई ध्यान नहीं देती कुछ नहीं। तो ऐसा इसी क्षेत्र में है कि बहुत सारी बस्तियां होंगी, पूरे बस्ती में ऐसा ही है।